रामदेव जी महाराज री सासू एक मरी हुई बिल्ली ने थाली में राख और रामदेव जी महाराज की परीक्षा करने वास्ते डेरा में भेजी। रामदेव जी महाराज बिल्ली रे ऊपर हाथ घुमायो, बिल्ली वापस जीवती खड़ी हो गई। सासू ने भरोसा हो गया कि मारो जो पावनो है वो अवतारी। अब ब्राह्मण देवता चमरी में हथले वो जोड़ा और चमरी में बिठावे। सब लोगों ने टेंशन थी कि जब फेरा वेला तो भीनड़ी ने उठनो पड़ेला और नेतल तो जन्म सु पांगड़ी है और यदि आप चमरी में उठ नहीं पाई चल नहीं पाई और बारा दीदी वापस लौट गई तो फिर क्या वेला। लेकिन रामदेव जी महाराज रे ऊपर जब सासू बिल्ली ने जीवती कराई तो सासू ने भरोसा तो इन बात रो कि मारी बेटी रो जो भरे वो कोई सामान्य पुरुष नहीं, जो सामान्य आदमी नहीं, ये तो अवतारी है। अरे थे दो तोरणिये आए ने उबावो रे जा एक बार खड़े हो जाओ महावीर जी थोड़ा सा आप आ जाओ। ये तो तोरणिये ये तो तोरणिये आए ने उबावो रे जा ये तो तोरणिये आए ने उबावो रे जा चंपेली बैरा पींदिरा जा बन जा ये तो तोरणिये अरे रे जाके तो तोरणी बलियुबा अरे रे जाके तो तोरणी बलियुबा रे जाके तो तोरणी बलियुबा अरे रे जाके तो तोरणी बलियुबा ओ केसरिया चढ़ोनी वो नवल बसे अरे रे जाते तो तोरणी बलियुबा हो केसरिया चढ़ोनी वो नवल बसे रे जा थोरे माता रो दुमालो रे जा थोरे माता रो दुमालो ये देखे ने जिदड़ो हो रो रे ते देखे ने जिदड़ो हो रो केसरिया सदोनियो नवल बसेरी रे जा थारे माता रागज मोती रे जा थोरे कोनो रागज मोती अरे रे जा थारे कोनो रागज मोती रे जा थोरे कोनो रागज मोती एमे तो आड़िए गुंगती ज्योति हो के सरिया ढोनी वो नवल मैं तो आडोरे घूंगटी ज्योतियो केसरिया सडोनियो नवल बसेरी चमरी में सहेलिया गावे अरे पेलो फेरो पिरियो नेतल बाबू सारी लागली पेलो फेरो फरियो नेतल बाबू सारी लागली अरे पेलो फेरो पेलो फेरो बाबू सारी लाडली पेलो फेरो फरियो नेतल बाबू सारी लाडली अरे दूजो फेरो माता जी री दीदरी दूजो फेरो माता जी री दीदरी अरे तीजो फेरो काका री भतीजी
फेरो चीजो फेरो काकारी भती। अरे चौथे तेरे नेतल बाई हो यारे परारा, चौथे फेरे नेतल बाई हो गया रे पराया। चमरी में उतरने रे बाद में ब्राह्मण देवता भाई ने बुलावे, फिर पिता को, फिर माँ को, काका बाबा मामा सबको धीरे धीरे बुलाते। अरे सेवरियों दान बैरा फिरो सा तो तेरे, आई रे धरम री देरा मोरा। सेवरिया दान बैरा भाई जियो देवे, आई रे धरमियारी मेरा मोरा। अरे गाया भेसा दान बैरा माता जी तो तेरे, आई रे धरम री देरा मोरा। अरे गाया भेसा दान बैरा माता जी तो देवे, आई रे धरमियारी रेरा तोरा। अरे हाथा राहत फूल बैरा बाबी सा तो देवे, आई रे धरमरी हाथो राहत फूल बैरा बाबी सा तो देवे, आई रे धरमियारी तेरा पूरा। अरे सोना रो तंदोरो बैरा मामो सा तो देवे, आई रे धरमरी बेरा पूरा। ये सोना रो तंदोरो बैरा मामी सा तो देवे, आई रे धरमियारी तेरा तोरा। अरे सावारी बिछुड़िया बैरा मामी सा तो देवे, आई रे धरमरी बेरा तोरा। हाथों वाला गजरा बैरा मामी जी तो देवे, आई रे धरमियारी बेरा तोरा। अरे दोनी साबाई ने दाली जोरे मारी नेतल बाई सासरिये रोजा। ये दोनी बाबो जी भाई ने दाली सो मोरा नेतल बाईयो पाला जा। दोनी बाबो साबाई ने दाली जोरो मारी नेतल बाई पाला। अरे दोनी बाबो सा भाई ने दाई सो मोरा ने तल भाईयो पाला। अरे मोरियो ए माया तो बाबो सादी लाडक चाली सास रे बोरा आज मो। अरे मोरियो ए माया बाबो सारी लाडक बोली रे भाई तने भेगो लेण वास्ते आउला चिंता ना कर। अरे मोरियो ए माया तो माता जी दी भिवड़ी चाली सास रे बोरा ओ। अरे मोरियो ए माया तो माता जी दी भिवड़ी चाली सास रे सोना रो बाजोटियो ने हीरा पन्ना दे। सोना रो बाजोटियो ने मोती रो सोजड़ियो। अरे सोना रो बाजोटियो ने हीरा पन्ना दे। अरे सोना रो बाजोटियो ने
नाली के सामने। अरे अजमल जी सरी का तारा, अरे सापे नारी साया सो पट खेलो ला दे बाजोटे तेरा। अरे चंपे नारी छाया चौपट खेलो अरे बाजोटे बेटा बनाने हो गटे रमाओ। अरे भी गुड़ी गूटी खिलाऊ ओला डेलड़ा अन बाजोटे बेटा। अरे भी गुड़ी गूटी खिलाऊ ओला डेलड़ा अन बाजोटे बेरा। अरे मेणा दे सरी खा तारा माता बोला डेलड़ा अन बाजो के पुकार। अरे मेणा दे सरी का तोरा माता बोला डेलड़ा अन बाजो के बेरा। अरे सुगना भाई सरी खा तारा बेना बोला डेलड़ा अन बाजो के पुकार। अरे सुगनो भाई सरी का तोरा बेलो होला डेलड़ा तले बाजोटे बेरा। अरे बीरम दे सरी खा तारा बीरा होला डेलड़ा अन बाजोटे बेरा। बाजोटे बाजोटे बेरा। अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी, हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी। आयो थारे बारने क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा, दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे। दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे कारने। दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे कारने। बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा इतरो मत बन मूंजी। और एक टाबरियो मने देवे, एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी। और नहीं सुनेला, नहीं सुनेला विघ्न करूला, थारी पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला। लोगों रो भरोसा उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौखट पर मर गयो, पाछो घर ना जाओ, बहुत देर हो गई। भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है। अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखे तो भगवान री मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी।
और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी, अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में, वे बाजरी ने लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते। अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी ने लाडू भगवान की मूर्ति ने मार दिया। मंदिर पुजारी जी दाड़ता दौड़ता भागता भागता है, बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार का रोना, ओ पुजारी बता दे कठे बार का रोना, तुम्हें तो दर्शन करीवाने आयो जियो, दर्शन करीवाने आयो जियो, अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजीमा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो, आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे। और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुरों ने तो पुजारी खुद डर गया, बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनो है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो, क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार बुजारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जासी। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे, भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा, और सोने का तो महल देखा, हीरा पन्ना खूब जड़ा, आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने, भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है, माथा ऊपर सु खून बह रहे है। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया, बोले भगवान की कर दो खबरा, मैं तो सुने हो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो, आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो, आप तो बड़ा शक्तिशाली हो, और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान वो कई, बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपने चोट कटू लागी। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमाल उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना, हरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदो करे बरस चौपनो नयो बास जग, बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग उगेला, बरस 61 वो नास
बिचमन थारे पालड़े दो दो टाबर झूलेला ओ पानी रो तो दूध बनेला पानी रो तो दूध बनेला कुकू पगल्या आंगने भगवान के अवतार की बात है तालियों के साथ में दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे अजमाल जी महाराज भगवान रा कॉल वचन कर अजमाल जी वापस अपने घर आ जावे। कुछ समय बाद में मेणा दे जी बीरम दे जी ने जन्म दियो और उसके कुछ समय बाद एक दिन रात रा 1461 साल भादवे महीने री दूज की रात चंद्रमा उगयो चारों तरफ तूफान आयो और अजमाल जी महाराज रे आंगणे में बीरम दे जी रे साथ में एक बालक आ और पहुंच गयो बड़ी अजमल घर अवतार की जय। अजमल जी ने आंगणे में भगवान रे वचन अनुसार कुंकुरा पांव मंडिया घर रो सारो पानी दूध बन गयो चारों तरफ रोशनी हुई आकाश हो गर्जना हुई और भगवान अजमल जी ने जब आंगणे में आया तो भक्त लोग लिखे हुए खम्मा 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 हो कवरी जी मानरा खम्मा 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 हो कवरी जी मानरा खाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम सा अजमल घर अवतार लियो भादरवारी दूजी चांदनी अजमल घर अवतार लियो कुकू पगला मांड सांवरियो पालनिए में पौड़ी गयो कुकू पगला मांड सांवरियो पालनिए में पोड़ी गयो दो दो बालक देख पालनिए सगला अजर जी भरी लादा बालिका नात्री का नाथरी लीला देखी
परचो, पहलो परचो पिता अजमल जी ने तीनों कुंकुरा पगलिया मंडाया और दूजो परचो माता मेणा देने दियो उफण तो दूध दबायो। अब देखिए दो दो बाल की देखी पालनी है मेणा दे शंका लाई मेणा के शंका लाई ओ कई जादू हो यो घर में माता मन में घबराई ओ कई जादू हो यो घर में माता मन में घबराई मारी शंका ने मिटाई मैया दी शंका ने दी दूध उफण तो लियो तो पूजे राजस्थान जियो। खम्मा 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 हो थाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ खम्मा घनी घनी खम्मा राजा राम का घनी घनी खम्मा राजा राम सा खबरदार है अभी तो लियो वापस लेने की जरूरत नहीं है। बोले कि मैं तो मारे बाबा रो भेजोड़ आयो। बोले आयो कि कर मारी भाई सुगना ने लेवण वास्ते आयो। पोंगल गढ़ा पढ़ियार विजय सिंह जी रो क्रोध और बढ़ गयो। अपने फौज ने अपने सैनिकों ने आवाज लगाई बोले रत्ने ने कुएं में उल्टो लटका दो। सुगना बाई दी ननंद सुगना बाई ने जार केवे की भाभी साहब नाम तो पतो नहीं लेकिन रत्नो नाम रो एक आदमी आयो तो आपरे पीरसो और मारा भाई साहब इन्हें जेल में बंद कर दियो। तब सुगना भाई री व्यथा सुगना भाई री पीड़ा अंदर सो और जाग उठी बोले भाई मैं तो थारो कोई कसूर कियो वेला लेकिन इन भोलिए रत्ने थारो का ही कसूर कियो इन्हें जेल में। सुगना भाई डागला पर चढ़ गई और मन में विचार कर दियो कि भाई या तो तू आ जा नहीं तो सुगना और प्राण दे और थारो नाम बदनाम कर देला। दुनिया में केवेला कि दुनिया में भगवान बड़ोड़ो फिरतो और मेरी बेन बीरे दुखरे सु कारणो मर गई। और बोली अरे भी राम हरा बोले भाई थारी कोई जामन जाई होती थारी सगी बहन होती तो तू जरूर ले जातो पर मैं तो थारे काकारी बेटी बहन हूं ई वास्ते थने मारी चिंता क्यों। मैं तो थारी दुबाली बहन हूं और काकारी बेटी हूं वास्ते थने मारी परवाह नहीं। बाकी थारी जामण जाई होती तो तू कद को ले जातो ये दुख रे कारण मैं अपना प्राण दे दूला। बाबा रामदेव जी महाराज ने अपने भाई ने याद करती थकी सुगना भाई पुकार की बोले बीरा
लगन लिखायो रे तू सीड़ा थने अड़बो लगन लिखायो रे तू सीड़ा थने आयो क्यों निकालो ना सीता महारा राम देव दे भाई ने एक दिले बनिया अड़बो बैरो सासिरो बोली शेर जमलगर अवतार के बोले भाई मैं कोई थारे लाडले जन्म रहा कोई काला तिल चोरिया इस जन्म में थारो कोई गुनाह कियो जी तू दुख में प्रणा दी बात बात पर पोंगल गडरा पड़िया तानो मारे बात बात पर थारो नाम ले मने सतावे बोले थारो भाई रामदेव तो कामड़ियो है बोले बीरा तू दुनिया वास्ते भगवान बन गयो और वो दुख मारे गले क्यों गाल गयो यदि तू भगवान ना बनतो तो मने भी दुख नहीं तो लेकिन तू दुनिया रा कारज सारे बीरा मैं थारो कहीं गुनाह कियो और अठी ने मारा माता पिता री याद घनी सतावे बीरा होई कली तो दिखाई दी बीरा वो बिहरी ये रारो हो जावेला तो आज तो मारो पीर में मैं आऊं तुम्हारी मां
रे कारण पूरे पीर में घर में मारो सारो बारो रेवे और काले थारो ब्याह हो जावेला बुझाई आवेला तो घर में जानो और घर में बैठनो भी मन तय करना पड़ेला कि कट तक बैठनो और कट तक रहनो। पन्नालाल जी बहुत सुंदर लिखियो है कि जिस घर में माँ है वो पीहर और जिस ससुराल में सासू है वो ससुराल, सासू नहीं है तो फिर ससुराल रो भी कोई अर्थ ना। बोली ए सासू जितिरे मन को माने दी बीरा हरा बीरा हरा रहम देव दे भाई ने एक ने बनिया अड़गो बैरो सासरो ने माता मिलवा जब बहन री पुकार सुनी सुगना भाई मरने वास्ते तैयार हो गया तब रामदेव जी महाराज ने रात्रा वक्त सूता ने सपनो आयो। सपना में उठ और अपनी मां ने कहो कि माता मैणा दे मने खोटो सपनो आयो, मैं सुगना ने रोवती देखी हूं, अपने साथ में शक्ति रो संचय कर, शक्ति रो आह्वान कर। बाबा रामदेव जी महाराज रूणी चासू रवाना हो पोंगलगढ़ पहुंचा। पोंगलगढ़ रे पढ़ियारो रे अभिमान ने खत्म कर और अपनी बहन सुगनाबाई ने वापस रूणी से जब ले आया तब घर में चारों तरफ खुशियां, चारों तरफ खुशियां, चारों तरफ उत्सव। बाबा रामदेव जी महाराज रे ब्याह री तैयारियां शुरू हुई। बाबा रामदेव जी महाराज ने पाठ बैठाया और चालो विनायक आपा जोशी घर चाला, चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला, चोखा चोखा लगन लिखावा, लगन लिखावा मारो देवी बिना, सुंडी सुंडाड़ो यो तो धूम धुमारो, आशा चली गन लिखावो रे मारो प्यारो रे बिना, चोखा चोखा लगन ओछी पिंडारो कमल गाड़ो रे, कमल गाड़ो रे मारो गिरी दीदी नायक, ओछी रे पिंडारो कमल गाड़ो रे, नखराड़ो रे मारो वीर दीदी नायक।
चालो विनायक यो पे सिर हियरे जासा चोखी चोखी बरिया मोलावा वो चोखी चोखी बरिया मोलावा वो मारो देवी बिना वो चोखी चोखी बरिया मोलावा हो अरे चालो नी विनायक आपा चूड़ी घर जाला चालो विनायक यो पे चूड़ी घरी जावा अरे चालो नी विनायक आपा चूड़ी घर जावा चालो नी विनायक यो पे चूड़ी घर रे साला चोखा चोखा चूड़ी ला मोलावा मोलावा मारो भीरद मारो देव बिनाए हरे गेरी गेरी बिरखा भाजा ते पाछा कहीं आ जा गेरी गेरी बिरखा भाजा उठी पाछा कहीं जा ओ मन साची साची बात बताओ जियो तालियों के साथ में साची साची बात बताओ जियो साची साची बात बताओ जियो खम्मा 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 रे कंवरे अजीमारा रूणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो रूणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो खम्मा खम्मा गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहीं जाओ ते मने सांची सांची बात बताओ आखिर में होयो कहीं है भगवान की कृपा हुई इतनो गेरो जमानो होने दी आशंका है और गेरो जमानो वे थे आपने खेत में बावला नहीं तो खाओ लगाई बोलो कहीं बात अब गांवरा ठाकुर था कौन बोले के थे बांझिया एक 80 बरस ना डोकरा आगे आया हाथ पग धूजे और अजमाल जी महाराज रे सामने हाथ जोड़ कहो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो आप तो मालिक हो आप तो अंदाता हो पर अरे थे तो अजमल जी बीरा बांझिया कही जो थी तू अजमल जी बीरा बांझिया कही जो
मारा सुगन खराब घना हो या जियो सुगन खराब घना हो या जियो खम्मा 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 रे को बड़ी अजमान रूनी चिरा राजा हेलो सांबलो जियो खम्मा खम्मा अन्नदाता आप तो मालिक हो पर अन्नदाता आप बांजिया हो और बांजिया आदमी रा सुगन ले खेत में जाने सु बढ़िया है कि घरे आराम करो क्योंकि थारा सुगना सु कहीं निपजनो तो नहीं और थारे जड़ा बांजिया आदमी रा सुगन ले खेत में मेहनत करने सु मतलब कहीं। अब देखो करसा आवड़ कावड़ शब्द कह दिया अजमाल जी महाराज रे पैरों नीचू बात सुन और धरती निकल गई। किसान ने आडा टोडा बोलता बोलता अपने घर चला गया। अजमाल जी महाराज धीरे 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 अपने घर पहुंचा। जब पतिदेव ने मैनादे जी उदास देखा तो बोल दियो पिया जी ओ सजना आप यूं आज बिलखा बिलखा लाग रहा हो कई बात है आप बड़ा दुखी हो आप मने बोलो। अजमाल जी महाराज रे आंखें मुँह आंसू आ गया बोले रानी बांजियो के वेरे मारो मुखी नहीं देखे अरे बांजियो के वेरे मारो मुखी नहीं देखे एड़ा कई पाप कमाया जियो एड़ा कई पाप कमाया जियो खम्मा 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 रे कबरी अजीमा रूनी चिरा राजा हेलो सांबलो जियो खम्मा 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 रे कबरी अजीमा। देखिए अजमाल जी महाराज रोता थका आंखा में आंसोरी लड़ी बेवे अपनी रानी मैना देने कहने लगा बोला रानी इनसु चोको है कि भगवान मने दुनिया उठा ले बांजिया बांजिया करे। देखिए जब कभी भी आपके हमारे घर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पति को निश्चित रूप से धीरज बंधाती कि चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेला। मैनादेव जी भी अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले पिया जी चिंता ना करो ना अब 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया एक बार मैं बोल रही हूं 13वीं बार फिर चले आ जाओ और इन बार द्वारका रो नाथ आपने मंदरी इच्छा जरूर जरूर पूरी करेगा। बाजरी ने लाडू बना दिया अजमाल जी महाराज ने दिया बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सच्चे मन से प्रार्थना कर जो। अजमाल जी महाराज फिर द्वारिका रे रस्ते रवाना हो गया। सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना पाड़ा थका पावों में छाला पड़ गया एक सांवरियारी आस लिया अजमाल जी महाराज बहता गया बहता गया बहता गया। एक दिन द्वारिकाधीश से मंदिर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया बोले भगवान 12 साल तक आयो हमारी नहीं सुनी 13वीं बार फिर आ गयो और इस बार यदि नहीं सुनी तो थारी चौकट पर माथो पटक पटक मर जाऊला। पर पाछो घर ना जाओ आज अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी आयो थारे बारने क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा दुनिया महाने मोसा बोले एक टाबर दे
सुधारने दुनिया माने मोसा बोले किताबर दे कारने दुनिया माने मोसा बोले किताबर दे कारने बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा इतरो मत बन मुंजी और एक टाबरियो मने देवे एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी और नहीं सुनेला विघ्न करूला हरी पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला लोगों रो भरोसा उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौकट पर मर गयो पाछो घर ना जाओ बहुत देर हो गई भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखो तो भगवान री मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो अब और कुछ हो नहीं पास में वे बाजरी रे लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी रे लाडू भगवान की मूर्ति रे मार दिया मंदिर का पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो वांडो है अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार करो ना दर्शन करीवाने आयो जियो दर्शन करीवाने आयो जियो अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजीमा अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुर ने तो पुजारी खुद डर गया बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है जेठ महीनों है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार गुजारदार ने भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाती पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा और सोने का तो महल देखा हीरा पन्ना खूब जड़िया आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है माथा ऊपर सु खून बह रहे है अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया बोले भगवान के कर दो खबरा मैं तो सुनियो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो आप तो बड़ा शक्तिशाली हो और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत थी दुनिया में बोले भगवान वो कई बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपने चोट कटू लागी तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले कि देख अजमाल उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई बारह बारह साल तक थोड़ी आतो अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा अजमाल जी महाराज जब
भगवान रे चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना, थारे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदो करे बरस चौपनो नयो मास जग, बरस चौपनो मास भाद वो नयो चांद जग फूगेला। बरस इकसठ वो मास भाद वो नयो चांद जग फूगेला। सुन रे अजमल थारे अवतार की बात है तालियों के साथ में। दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे, दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर